Hello everyone, Assalamu Alaikum. Welcome to my channel Indian Muslim Mom Passion. तो ये है मेरा फ्राइडे वाला व्लॉग और मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह का खूबसूरत मंजर माशाल्लाह से ना बहुत ही प्यारा लग रहा था मौसम और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था मेरे एक वीवर ने कि आप जो है ना जाम के झाड़ को क्लोजअप में दिखाइएगा तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जाम का झाड़ भी शूट कर लिया था ताकि आप लोग देख सको माशाला से जो है ना इस पर छोटे छोटे जाम लगे हैं लेकिन वो खाने में ना बहुत मीठे हैं अभी ज़्यादा जाम नहीं है क्योंकि सीज़न के हिसाब से तो अभी छोटे छोटे जाम लगे हैं लेकिन वो भी खाने में बहुत अच्छे हैं और ये सुबह का टाइम हो रहा है और मेरे अम्मी जो है यहाँ पर चटनी बना रहे हैं जो सिंगदाना होता है ना पीनट्स उसकी चटनी बन रही है यहाँ पर और ये चटनी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे बोलने पर ये अम्मी जो है ना ये चटनी बना रहे हैं क्योंकि आज जो खाना है ना थोड़ा सा डिफरेंट खाना है जो मेरी मतलब मुझे पसंद है ना वो खाना मैंने बनवाया है और ये चटनी मेरी फेवरेट है मेरी और मेरे अब्बा की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे अब्बा तो जो है ना बिना ये चटनी के खाना ही नहीं खाते उनको उतनी ज़्यादा ये चटनी पसंद है और किस किस के यहाँ पर ना ये चटनी बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है बस इसमें जो है ना लाल मिर्च नमक और लहसन जाता है और पीनट्स को जो है ना अच्छे से रोस्ट कर कर इसको कूट लिया जाता है और ये चटनी जो है ना और अच्छी बनती है जो ओखली ओखली बोलते हैं पता नहीं इसको क्या बोलते हैं तो उससे जो है ना ये चटनी और अच्छी बनती है जितना इस पर प्रेशर पड़ता है ना जितना पीनट्स पर प्रेशर पड़ेगा उसका तेल निकलेगा उतनी ये चटनी टेस्टी बनती है तो हमारे अम्मी तो जो है ना इसको इसी में बना रहे हैं और वो हमेशा इसको इसी में बनाते हैं और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लगती है चटनी खाने में और आज जो खाना बना है मैं आपको दिखाऊँगी आगे कि आज क्या खाना बना है तो ये देखिए ये है हमारा आज का खाना और अभी जो है ना साढ़े ग्यारह ग्यारह के करीब कुछ टाइम हो रहा था और हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और गांव में तो जो है ना ऐसे ही होता है खाना जो है ना जल्दी खा लेते हैं नाश्ता तो जो है ना सुबह सात साढ़े सात तक चाय टोस्ट और कुछ भी हो जाता है हल्का फुल्का स्नैक्स वग़ैरह उसके बाद हम लोग खाना ही खा लेते हैं और यहाँ पर जो है ना मैंने मिर्ची भी फ्राई करने के लिए बोला था और ये मिर्ची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे ज़्यादा तीखी नहीं है ये फीकी वाली मिर्ची हैं तो ये है हमारा आज का खाना हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम तो सुबह से मैं अब आपसे मिल रही हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के एक और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वाला मास्क लगाया है अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती क्योंकि आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है कि आप जो है ना मास्क लगाकर वीडियो बनाइएगा तो वीडियो और अच्छे बनेंगे तो इसलिए जो है ना मैंने मास्क लगाया है और मास्क को जो है न मैं ऐसे ही कवर कर कर बना रही थी मतलब ऐसे कवर कर रही थी मैं तो उतना अच्छा नहीं लगा था तो इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ दुपट्टे को इस तरह से डाला है तो आई होप कि जो है ना कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो वैसे कुछ दिन जो है ना लोग मैनेज कर लेंगे लेकिन उसके बाद फिर से जो है ना बोलना स्टार्ट कर देंगे कि आपके बाल दिख रहे हैं मुँह छुपा रहे हो तो मुझे जैसा कम्फर्टेबल लग रहा है मैं अपने ब्लॉग्स बना रही हूँ और थोड़ा बहुत जो है ना आप लोगों की ख्वाहिश का भी थोड़ा बहुत ख्याल मुझे करना चाहिए मुझे ऐसे लगता है तो इसलिए जो है ना मैंने ये मास्क लगाया है आप लोगों के रिक्वेस्ट पर और एक और जो है ना मुझे कमेंट बार बार आ रहा है तो जो भी जो है ना ये सोच रहे हैं कि ये रेडिकल इस्लामिक लॉज़ हैं रेडिकल इस्लामिक हमारे कल्चर है तो ये सब बातें ना प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर बिल्कुल भी मत कीजिएगा और मैंने तो जो है ना उस इंसान को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उनकी बातें पसंद नहीं आ रही थी जो भी कर रहा है ना उनको पता होगा कि वो क्या कर रहे थे तो मैंने जो है ना आपको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मुझे आपकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी तो मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो दूसरे मज़हब की इज़्ज़त नहीं करते मैं समझती हूँ कि एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करे चाहे हम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो लेकिन हमें दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करना चाहिए तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए जो है ना मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है आई होप कि जो है ना आपके समझ में आ गया होगा कि मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगी है तो मैंने आपको ब्लॉक किया है और मैं आपको जो है ना रिप्लाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपके कमेंट्स पढ़कर आपका बोलना ये हो रहा है कि जो है ना क्रिमिनल्स वगैरह हिजाब लगाते हैं तो आपकी जो सोच है वो आपको मुबारक हो तो प्लीज़ मेरे पास आकर जो है ना ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसलिए जो है ना मैंने रिप्लाई किया है बहुत चुभी है मुझे वो बातें तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोलना ज़रूरी समझा है और खाना तो हम लोगों का हो गया है वैसे गांव में जो है ना हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं दस ग्यारह बजे तक जो है ना हम लोगों का खाना हो जाता है ग्यारह बजे तक तो ऑलमोस्ट हो जाता है बारह से पहले ही होता है वैसे नाश्ता तो हम लोग जो है ना चाय टूस वगैरह कर लेते हैं या फिर कभी कभार सुसला वगैरह बना लेते हैं या फिर अगर कुछ मूड हो तो हम बना लेते हैं अदरवाइज़ जो है ना गाँव में हमारे यहाँ पर खाना ही खाते हैं तो खाना हम लोगों का हो गया है मैंने आपको बताया कि मैंने जो है ना वो जो अंबाड़ी की भाजी होती है वो मैंने बनवाया था क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं पूना में थी ना तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी वो भाजी खाने की और मैंने ढूंढा भी वहाँ पर लेकिन मुझे टाइम पर मिली नहीं तो मैंने बनाया नहीं था और आने के बाद जो है ना मुझे यहाँ पर मिल गई थी तो मैंने जो है ना आज बनवा लिया था और माशाला से खा कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए क्योंकि बहुत से नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है तो मैं आपको बता दूँ हम लोग पाँच भाई बहन हैं सबसे बड़ी मैं हूँ और उसके बाद जो है ना मेरी दो बहनें हैं और दो भाई हैं मेरा एक जो भाई है वो सऊदीया में है वो मुझसे छोटा है और मेरे जो अब्बा हैं वो भी सऊदी में ही रहते हैं उनका वहीं पर काम है तो वहीं पर रहते हैं मेरा भाई भी सऊदी में ही है यहाँ पर जो है ना मेरा छोटा भाई है मेरी बहन है और मेरे अम्मी हैं जो मेरी सेकंड नंबर वाली बहन है उनकी शादी हो गई है तो वो अपने ससुराल में हैं आएंगे वो भी इन नेक्स्ट मंथ आ सकते हैं मेरी डिलीवरी के बाद और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन मेरी डिलीवरी से रिलेटेड भी आ रहे थे कि आपकी डिलीवरी वगैरह कब है तो मैंने डॉक्टर से जो है ना अभी तक कंसल्ट नहीं किया है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो इन दो तीन दिन के बाद जो है ना मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास में तो मैं आपको जो है ना अपडेट दे दूँगी थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे दूँगी कि कब तक जो है ना मेरी डेट है प्रॉपर डेट तो नहीं बताऊँगी मैं लेकिन मैं आपको हिंट दे दूँगी तो आपके समझ में आ जाएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर डेट जो है ना किसी को भी बताना सही होगा क्योंकि अल्लाह तला की मर्ज़ी के बगैर जो है ना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता तो डेट तो बहुत दूर की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट होती है ना वो बस हम लोगों के रिलैक्सेशन के लिए होती है कि हाँ तो आपके पास इतना टाइम है लेकिन जब होना होता है अल्लाह की मर्ज़ी जब होती है तब होता है तो ये मुझे आपको बताना था कि मेरे फैमिली में कौन है और अभी फ़िलहाल तो हमारे घर में मैं मेरा भाई मेरी बहन और मेरे अम्मी रहते हैं और जो मेरे सेकंड नंबर वाला भाई है और मेरे जो पापा हैं वो सऊदी में रहते हैं और और मुझे एक और कमेंट आया था कि आप जो है ना लास्ट टाइम जब गए थे तब आपने एक पौधा लगाया था उसको बता दो तो लास्ट टाइम जो है ना मैंने पुदीने का पौधा लगाया था लेकिन वो पुदीने का पौधा जो है ना वो जल्दी ही सूख गया था तो उसके बाद जो है ना अम्मी ने उसमें थोड़ी सी कोतमीर वगैरह डाल दी थी तो कोतमीर जो है ना उसमें लग गई है और थोड़ा सा पुदीना भी है मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊँगी और यहाँ पर हिमाद हमारे आ गए हैं हिमाद ने आज वाइट ड्रेस पहना है है ना क्या कर रहे हो ये क्या है सिटी हिमाद ना बहुत मस्ती करने लगे हैं जब से यहाँ पर आए हैं ना हिमाद की मस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है बहुत ज्यादा पूरे गांव के हो गए हैं हिमाद अभी है, हाँ। है ना बेटा है ना अभी यहीं पे रहना ना आपको नहीं, अभी यहीं पे नहीं है फिर कहाँ जाना, जाना है दुकान पे जाना है तो अच्छा, आप अबू के पास जाओगे हेमांत जल अबू के साथ चले जाएंगे और मुझे छोड़ के जाएंगे हेमांत मुझे नहीं लेके जायेंगे ना अच्छा मैं आपको नानी के पास छोड़ के जाऊंगी नहीं मैं आपको अच्छा <laughs> हिमात को ये बस रोजाना जो है ना अपने पापा को फ़ोन लगा कर बोल रहे हैं कि पापा जल्दी आओ ना हमें आना है आपके साथ में तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें अपने घर की याद आती है तो हिमात को भी अपने घर की याद आ रही है अभी तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो ना न वहाँ पर क्या लगाया है हमने नहीं मतलब अम्मी ने वहाँ पर क्या लगाया है हटो और आज जो है ना मैंने ये वाली कुर्ती पहनी पता नहीं कब तक पहन कर रखूँगी मैं इसको क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है ऐसे कपड़ों में तो मैं जल्दी जो है ना चेंज कर लेती हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने जो है ना अपने घर का टूर पहले ही दे रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आप लोग जो है ना वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो ठीक है देखिए कपड़े वग़ैरह ना सारे धुल गए हैं और जो घर वाले हो घर के अंदर हैं घर वाले घर में बैठे हुए हैं मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ देखिए हम आपके यहाँ पर खिलौना भी गिरा हुआ है यहाँ पर ना अम्मी ने हमारे कोतमी डाल कर रखा है और यहाँ पर ना नीम का पेड़ था पहले तो उसको तो काट दिया था लेकिन ये फिर से छोटा छोटा उठ रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक ना बेल उठनी स्टार्ट हो गई है और ये बेल जो है ना मुझे लगता है शायद से तरबूज की बेल है यानी कि कलिंगड़ की बेल है देखते हैं जब तक कलिंगड़ लगते हैं तब तक हमारे समझ में आ जाएगा या फिर लगने के बाद समझ में आ सकता है है ना थोड़ी सी कोतमी यहाँ पर हो गई है और माशाल्लाह से ना थोड़ी सी बड़ी भी हुई है देखिए हिमात को यहाँ पर क्या कर रहे हो हिमात भी एक वीडियो बना रहे हो अच्छा ये देखिए हिमाद भी अपने कैमरे से ना वीडियो बना रहे हैं हिमाद का फ़ोन है ना बताओ आपका फ़ोन ये देखिए ये हिमाद का फ़ोन है, है हिमाद ने जो ना खेलते खेलते यहीं पर रख दिया था इसको तो अभी मैंने कैमरा उठा लिया है ना तो हिमाद ने भी उठा लिया है अभी कैमरा देखिये खेल रहे हैं और यहाँ पर ना बहुत तेज धूप हो रही है यहाँ के मौसम का तो ना कुछ पता ही नहीं है अभी सॉरी के मौसम का तो ना कुछ पता ही नहीं है अभी धूप निकली हुई है थोड़ी देर में ना बारिश भी होगी हाँ दिखाया मैंने आपका मोबाइल चलो मैं ऊपर चलती रही हूँ बहुत धूप है यहाँ पर बैठ कर बात और यहाँ पर जो है ना ये जो चारपाई बनी है ना ये सिर्फ आधी बनी है सॉरी यहाँ पर जो ये चारपाई बनी है ना ये सिर्फ आधी बनी है और ये आधी क्यों बनी है ना इसका भी ना बहुत बड़ा घोटाला हुआ है बहुत बड़ा कांड हुआ है इसका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि इसका क्या कांड हुआ है मतलब आ, उतना अच्छा भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन सोच रही हूँ बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ का माहौल कैसा है तो ये जो ब्लैंकेट रखी हुई है ना ये बारिश की वजह से भीग गई थी और अभी ये सूख गई है तो इसको हमारे अम्मी ने जो है ना यहाँ पर ला कर रख दिया है अम्मी वही बोल रहे थे कि अगर जो है ना अच्छे से धूप निकलती है तो मैं इसको जो है ना वॉश करके डाल दूँगी तो ये फिर से जो है ना सही हो जाएगी तो चलिए तो चलिए तो अभी जो है ना टाइम भी हो रहा है नमाज का मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ तो अभी ये टाइम हो रहा है पाँच बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है ना कुछ स्नैक्स की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ स्नैक्स खाने का मन हो रहा था तो मैंने अम्मी को बोला कि आप जो है ना प्याज काट देना तो हम लोग पकौड़ी वगैरह बना लेंगे तो वही अम्मी जो है ना यहाँ पर प्याज काट रहे हैं और हिमात को भी तरबूज़ खाना था तो मैंने जो है ना यहाँ पर तरबूज़ निकाला है हिमात को देने के लिए तो ये फटाफट जो है न मैं हिमात को काट कर दे दूँगी उसके बाद में जो भ भजिया और पकौड़ी है उसका मैं आटा बनाऊँगी और घर में ना ज़्यादा लोग होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ना सारी चीज़ें खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस आपको जो ना थोड़ी बहुत काम खुद करने पड़ते हैं जैसे कि अभी अम्मी जो है ना मुझे प्याज काट कर देंगे और मैं फटाफट जो है ना यहीं पर खड़े रहकर पकौड़ी बनाऊँगी तो मेरा जो काम है ना बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से वैसे मैं जो है ना यहाँ पर कुछ काम अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रही हूँ कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ मैं तो ये जो है ना मेरे सुबह से सुबह से जो है ना ये मेरा पहला काम है जो मैं अभी कर रही हूँ और आजकल जो है ना मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं कुछ काम करूं और मुझे जो है ना हम मेरी अम्मी और बहन वगैरह अलाव भी नहीं करते कि मैं कुछ काम करूं वो तो लोग तो बोलते हैं कि बस तुम बैठे रहो आराम करो और ऐसे भी जो है ना इंसान बैठ बैठ कर भी बोर हो जाता है तो मैं जो है ना इस तरह का कुछ काम कर लेती हूँ जो मेरे मतलब टाइम पास में हो और अच्छा भी लगे तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज ले लिया है अब मैं थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी उसके बाद हम इसमें आटा डालकर गूंद लेंगे जिस तरह से हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं और बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि पकौड़ी उनकी क्रिस्पी नहीं बनती तो पकौड़ी इसलिए क्रिस्पी नहीं बनती क्योंकि जो है ना शायद से आप लोग उसमें पानी डालते हो या फिर जो है ना जो आटा होता है ना वो थोड़ा सा पतला कर देते हैं और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे ना तो पकौड़ी क्रिस्पी नहीं बनती है पकौड़ी को बनाने के लिए जो है ना मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम पर इसको पकाना होता है और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना होता है तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पकौड़ी तो इस तरह से जो है ना हम लोग इस इसको डालेंगे और हम एकदम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे फिलहाल तो मेरा फ्लेम बहुत हाई था उसके बाद जो है ना मैंने फ्लेम को लो पर कर दिया है और अब इसी लो फ्लेम पर जो है ना हम लोग पकौड़ी बनाएंगे तो जो पकौड़ी है वो क्रिस्पी बनेगी और साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर आलू भी छील कर रख लिए हैं आलू के भी मैं थोड़े से बना लूँगी क्योंकि हिमात को ना पकौड़ी से ज़्यादा आलू के जो पकौड़े आते हैं ना आलू के पकौड़े वो हिमात को ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर आलू भी काट कर रख लिया है पकौड़ी हमारी बन गई है और मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है और चाय का कलर जो है ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि चाय पत्ती के टेस्ट से ही जो है ना मतलब चाय पत्ती से ही चाय में अच्छे से कलर आता है तो यहाँ की जो चाय पत्ती है थोड़ी सी डिफरेंट है तो मैंने जो है ना इसमें एक लौंग और इलायची भी ऐड किया था टेस्ट के लिए और यहाँ पर जो है ना वॉइस ओवर करना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे घर पर तो जो है ना वॉइस ओवर ईज़िली हो जाता था लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना आवाज़ें बहुत आती है इधर उधर की तो ये देखिए ये है हमारी पकौड़ी एंड चाय और माशाला से ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और अभी हम लोग यहाँ पर बैठ कर करेंगे चाय और पकौड़ी आप भी आइएगा नाश्ता करने के लिए स्नैक्स खाने के लिए सॉरी और यहाँ पर जो है ना हिमात खेल रहे हैं आपको दिखाऊंगी आगे और यहाँ पर ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और ये मत बोलिएगा कि मक्खियाँ कितनी हैं तो मक्खियाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा ही देखने मिलेगी क्योंकि गांव का जो एरिया होता है ना वहाँ पर मक्खियाँ और मकोड़े वगैरह ना ज़्यादा होते हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है ना तो इसके लिए तो ये देखिए यहाँ पर मौसम को ना बदलते हुए टाइम ही नहीं लगता जस्ट हम लोग जो है ना स्नैक्स खाकर उठे थे और यहाँ का मौसम देखिए अभी जो है ना तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश भी होने वाली है तो ये था मेरा आज का ब्लॉग आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो मिलती हो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लाला हाफिज़